ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। अभी हम लोग अनवरलूम कॉलेज से निकल के मेहदीपट्टनम से होते हुए सन सिटी पहुंच चुके हैं। जो बोले सोनेहाल श्री अकाल। सना है ना आपका नाम? शाफिया सना। शाफिया सना है, दो दो नाम रख लेते, एक ही नाम है मेरा। शेर हैदराबाद की अनवर उलूम डिग्री कॉलेज मलेपली में एनसीसी स्टूडेंट्स की जानिब से साइकिल पर तिरंगा रैली बड़े ही एहतराम के साथ निकाली गई। ये रैली 40 किलोमीटर के लिए निकाली गई थी, जहां पर अनवर उलूम कॉलेज से मोइनाबाद तक रैली का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर 40 बटालियन सिकंदराबाद ग्रुप तेलंगाना व आंध्र प्रदेश डेपोरेट ने शिरकत की। इस दौरान आर्मी ऑफिसर और आसिफ नगर पीएस के डीआई नागेश्वर रेड्डी ने भी रैली में हिस्सा लिया। इस रैली को तमाम ने मिलकर कामयाब बनाया। हमारे नुमाइंदे शेख महमूद की ये खास रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईटेक टीवी। मैं शेख महमूद। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं अनवरलूम कॉलेज मल्लापली में, जहां पर एनसीसी की जानिब से तेलंगाना रैली साइकिल पर निकाली जाएगी। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो रैली की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कर्नल साहब, आइए आप अब इनसे कुछ बातचीत करेंगे, इस रैली के बारे में जानेंगे। हमारे साथ है इस वक्त कर्नल साहब अमित पूर्ति साहब से हम बातचीत करेंगे। सर, ये जो रैली स्टार्ट कर रहे हैं आप, ये कहाँ से कितने किलोमीटर तक रहेगी? इस रैली में हम लोग मेहंदीपट्टनम और गोलकुंडा फोर्ट होते हुए आगे जाएंगे, चलावा का जगह है एक, वहाँ से फिर टर्न होके वापस आएंगे। टोटल 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर वापस का हम लोगों का ये रैली होएगा। इस रैली में खास करके जो आसपास के लोग जो हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उनको हमारे जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में, प्लस जो 15 अगस्त और जो ये 76 जो हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे था, और 75 साल जो हम लोगों ने पूरा किया है अपनी इंडिपेंडेंस का, उसको मनाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस करने के लिए, जैसे अभी हर घर झंडा हुआ, हर घर झंडा होने के बाद में इस झंडे को वापस जो है, कोई इस झंडे का बेइज्जती ना हो, इसके लिए लोगों को बताते हुए, और अगर किसी जगह ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उनके घरों से जो पुराने झंडे थे वो भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। ये तेलंगाना में फर्स्ट टाइम हो रही है रैली, इससे पहले कितने रैलीस करे? इससे पहले भी अलग अलग समयों में अलग अलग चीज़ों के लिए रैलियां हुई है। कभी कभी मोटरसाइकिल रैली हुई, कभी साइकिल की रैली हुई, और हम लोग एक कार्रवाई होती है हम लोग की फुट पुलिसिंग करके। फुट पुलिसिंग प्रधानमंत्री ने शुरू कराया था एनसीसी कैडेट्स के द्वारा यहाँ पर, उसमें भी बेसिकली अवेयरनेस की कार्रवाई होती है ये। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, जिस देश की जनता को आप? मैं इस देश की जनता और यहाँ खास करके हैदराबाद और सिकंदराबाद की जो जनता है, चाहे कोई भी कास्ट और क्रीड के होए, सबके लिए हम लोगों का ये जो झंडा है, प्लस जो इंडिपेंडेंस जो कि हम लोगों को मिला 1947 में, ये आसानी से नहीं मिला है, और इसको हर एक कामों में, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति का एक अपनी तत्परता और अपनी कार्रवाई होती है इसको बचा कर रखने के लिए। इस रैली में और भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम वो लोग से आपको मिलेंगे जो देश के रियल हीरो है, कुछ आर्मी ऑफिसर से हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। सर जी, अपना नाम बताइए। मैं सुबेदा हीरा सिंह, 4 तेलंगाना एनसीसी बटालियन ट्रेनिंग एजेंसी हूँ। हम आज एक रैली, साइकिल रैली करने जा रहे हैं, जो अनवर उलूम डिग्री कॉलेज से होते हुए 4 तेलंगाना बटालियन सिकंदराबाद ग्रुप और ये एपी एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है इसको। तो हम ये बच्चों को संदेश देना चाहते हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं, और वो क्या इम्प्रेस होते हैं आर्मी से, इसके लिए हम एक रैली निकाल रहे हैं, और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, उसके उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक ख़ास मेहमान भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमारे आसिफ नगर के डिप्यूटी इंस्पेक्टर है, डीआई साहब। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। इस रैली के बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारे को एनसीसी के बच्चों के साथ मिलने को अपना ANO सिद्दीक हसन, जो वो मेरा क्लासमेट था, आपको इनवाइट, मुझे इनवाइट करा, वो मैं बहुत
खुशी से अभी इसमें इन्वॉल्व। आप तो पहले खुश हो गया होंगे क्योंकि आपको देख के लगता है आपकी फिटनेस से, आपको साइकिलिंग ये रैलीस फिटनेस का बहुत सारा शौक है। आप तो हेल्थ के लिए अच्छा है ना, इसलिए ऐसा जो भी है मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और कितने चीज़ों में पार्टिसिपेट करें सर आप? मैं जो भी स्पोर्ट्स में कोई इनवाइट करे तो भी जाता है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होते। मैं एनसीसी का भी जो भी है मेरा महबूब नार के एनसीसी का, इधर का एनसीसी का कोई भी इवेंट है तो मुझे बुलाए तो मैं जाके थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा वो इंस्पायर होते, मोटिवेट करने के लिए कभी कभी जाते। कुछ यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहेंगे आप? तो हर आदमी एनसीसी में ज्वाइन होना, तो उसमें डिसिप्लिन सीख सकते, देश के लिए कुछ करने के लिए, और भविष्य में उसका एनसीसी का सर्टिफिकेट से और जॉब भी मिलते, आर्मी में ज्वाइन हो सकते, पुलिस में भी ज्वाइन हो सकते। इसलिए एनसीसी में हर बच्चा एनसीसी में ज्वाइन होता अच्छा रहता। थैंक यू सो मच सर, आई होप के ये तेलंगाना रैली सक्सेसफुल हो, जो भी आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत इसमें सक्सेस मिले आप लोगों को, हर जगह इसका नाम हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इसमें मन हमारे साथ मौजूद है जो कैप्टन है सैयद सिद्दीक हसन साहब, एनसीसी के जो कैप्टन हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अनवालम कॉलेज फोर्थ तेलंगाना बटालियन सिकंदराबाद ग्रुप आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट की तरफ से ये साइकिल रैली कर रहे हैं ऑन द ओकेशन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे। इस 75th इंडिपेंडेंस डे के बाद हम लोग 76th इंडिपेंडेंस डे में इंटर हो रहे हैं। इस रैली में हम जनरल अवेयरनेस रैली करेंगे, स्पॉट्स पे 5-5 किलोमीटर पर रुकेंगे और सब अवाम को ये बताएंगे कि हमारे पास जो जनरल अवेयरनेस है, एंटी टोबैको है, डाउरी है, हरिता हरम प्रोग्राम है, ये सारे चीज़ों को बताते हुए। और उसका मेन और एक मकसद ये है इस रैली कंडक्ट करने का, हर घर तिरंगा हमने लगाया है, इसके बाद इस तिरंगे को फिर हम घर से हर दूसरे घरों से भी निकालेंगे भी और उनको कन्वे करेंगे कि तिरंगा लगा रहे हैं तो उसके बाद उसकी इज्जत भी करना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हमारा फ्लैग है। हर घर हम तिरंगा लगा रहे हैं, रोड्स पर तिरंगे पूरे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद उसकी हिफाजत करना भी हमारा ही फ़र्ज है, जिस तरह से हम तिरंगा लगाए हैं फिर उसकी हिफाजत भी कर रहा है। अगर वो नहीं हो सकता है तो फिर हम उनको रिक्वेस्ट करके उनको वो तिरंगा निकाले के फिर हमारे पास सेव रखेंगे। और साइकिल रैली कंडक्ट करने का मकसद ये है कि लोगों को ये बताना चाहिए कि साइकिल चलाने से फिटनेस होता है, साइकिल चलाओ फिटनेस बनाओ, ये हमारा आज का नारा है। थैंक यू सो मच। नाम बोलिए। जैन मायसेल्फ सीनियर अंडर ऑफिसर सफिया सुल्ताना। ये साइकिल के महाउत्सव पर हम लोग साइकिल पर रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि फिटनेस अपनी बताने के लिए, साइकिल चलाइए फिटनेस बढ़ाइए और हर घर हर यूथ में हम अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं साइकिल के तौर पर। आपकी एज क्या है? मेरी 22 है। आपको पता है कि कितने किलोमीटर की ये रैली है? किलोमीटर्स का 40 किलोमीटर। आपको क्या लगता है आप 40 किलोमीटर जा पाएंगे? जी हाँ, जा पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है आप? जी हाँ, कॉन्फिडेंस है। और कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे जो भी हमारी सोसाइटी है, यूथ है, वो आगे बढ़े और साइकिल्स पे, बाइक्स पे अगर नहीं है तो नॉर्मली ऐसी वॉक पर रैली निकालें। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप 40 किलोमीटर रीच हो। जी। नाम बोलिए आपका। शाफिया। आपकी एज क्या है? 18 है आपकी? 18 एज है आपकी? जी। क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री फर्स्ट ईयर। पास हो रहे फिर? पास हो रहे। पक्का? हाँ। ये रैली 40 किलोमीटर की है, आप जा सकते हैं 40 किलोमीटर चला ले? जी। गिर गए तो रस्ते में बेहोश हो गए? नहीं, गिरती एक एम्बुलेंस रख रहा हूँ मैं पीछे, गिर गए तो आप बोलना, आपको उठा के एम्बुलेंस में डाल दूँगा। ठीक है। आई कैडेट मीर मजहर अली, आई एम परसेसिंग ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर अनवर उलूम कॉलेज। वेयर डू यू स्टे? I stay Hussainialam. Hussainialam. Yes. You want to tell about some this rally? Yes. First of all, I like this rally because first time. Why did you participate? Going. Bicycle will going. So, I love this rally because first time is going to Anwar Ulum. Thanks. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. So, our Asif Nagar Inspector DI Saab bhi बहुत रेडी है, बहुत खुश दिख रहे हैं सर। बस तक आप कल तक लेके जाएंगे? लास्ट डे तक जाएंगे। लास्ट डे तक। बेस्ट ऑफ लक सर। एंड सर यू ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
अभी हम लोग अनवरलूम कॉलेज से निकल के मेहदीपट्टनम से होते हुए सन सिटी पहुँच चुके हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, मेरी भी साइकिलिंग एक्सरसाइज दबा के हो रही है। जो बोले सोनेहाल श्री अकाल। अपाजी कैसा दिख रहा है आपको? अभी कितने किलोमीटर है अपन? अभी आफ्टर 15 होगा ना? 15 नहीं, 5 किलोमीटर है। रह गया अभी 5 किलोमीटर आए अपन। अच्छा हुआ अभी। ओके ओके, कैसा दिख रहा है आपको साइकिलिंग करते हुए? कैसा? हाँ, साइकिल बड़ा मजा आ रहा है जी। और फिटनेस होती है इससे? वो जबरदस्त फिटनेस हो रही है, मेरी भी फिटनेस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर युवा को मतलब जवान को ये करनी चाहिए जी। एक्सरसाइज होती है इससे शरीर की, हर बॉडी का बहुत है। ठीक है, चलिए लोकेशन पे मिलते हैं। कट कर दो भैया। तो अभी हम सन सिटी से आगे निकल चुके हैं, बॉयज तो बॉयज, गर्ल्स भी साइकिल चलाते चलाते नहीं थक रहे हैं। ये देखो, ये बच्ची बोली थी हमार को कि पूरा मोइनाबाद जाके 40 किलोमीटर जाके रुकेंगे। सना है ना आपका नाम? शाफिया सना। शाफिया सना है, दो दो नाम रख लेते। एक ही नाम है मेरा। शाफिया अलग है, सना अलग है। फुल्लेम है मेरा। शाफिया कहाँ है फिर? शाफिया सना फुल्लेम है मेरा। फुल्लेम है, मेरे भी तीन नाम है मालूम। शेख महमूद अली। कहाँ तक आए आप मालूम? आपको कितने किलोमीटर है? नहीं मालूम। अपन आगे 5 किलोमीटर। थक गए आपने? थके? नहीं थके। पानी यू नहीं होना क्या? नहीं नहीं चाहिए। चलो पिरमिड से आगे निकल के बताओ। तो अभी हम पहुंच सके सन सिटी से नारसिंगी। सबसे ज्यादा यहाँ पे चला रहे हैं हमारे डीआई साहब आशीष नगर के, जो नागेश्वर राव साहब। सर आपके आधार कार्ड पे एज क्या है सर? 40 है सर। एक काम करिए, आपको 40 निकाल के 20 या 22 डाल दीजिए। क्यों बोले तो जहाँ से आप पॉइंट पे से स्टार्ट करे थे कॉलेज पे से, और सब आप हमारी फीलिंग सर लोग। थैंक यू सो मच, कीप कैरी ऑन सर, विल सी यू देयर। चलिए हमारे कैप्टन साहब भी बहुत जल्दी 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 पैंडला मार रहे हैं। हेलो सर। हाय हाय हेलो, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी। हम क्या पैंडला बहुत ज़्यादा मार रहे हैं आप? नो नो नो, आई एम डूइंग हेल्थिंग पैंडल्स। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम गुड, आई एम गुड, फीलिंग गुड, फीलिंग हेल्दी। आर यू टायर्ड? नो, फीलिंग जॉय। आर यू टायर्ड? नो, आई एम नॉट टायर्ड। व्हाट इज योर एज सर? दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे, जो 40 किलोमीटर का फिनिशिंग पॉइंट था वो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं वहाँ से साइकिल्स आ रहे हैं। तो ये पूरे साइकिल्स आ गए हैं हमारे लोकेशन पे, 40 किलोमीटर। पूरे साइकिल्स आ रहे हैं, 40 किलोमीटर का सफर तय करके।
अच्छी बात ये है कि किसी को रास्ते में चोट भी नहीं लगी, ना कोई गिरा ना कोई एक्सीडेंट हुआ। जहाँ से अनवर उलूम कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से पीसफुल निकले और पीसफुल 40 किलोमीटर लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। तो फाइनली हम हमारे लोकेशन पे पहुँच चुके हैं 40 किलोमीटर। कैसा फील हो रहा? बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद से। साइकिल रैली तो वैसे तो हम लोग करते रहते हैं, और जो हम रास्ते में पब्लिक को, आम जनता को, हमारा जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया हमारा। हर जगह जो हमको बोलने का था नेशनल फ्लैग के इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल फ्लैग के बारे में जो बोलने का था हमको, हमने वो रीच करा है। और एंटी टोबैको के बारे में, एंटी डाउरी के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में, ये जो हमारा जनरल अवेयरनेस रैली का मोटो था वो भी कंप्लीट हो गया है हमारा। और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, जो साइकिल के ऊपर जो साइकिल चलाना है साइकिल चलाओ और हेल्थ बनाओ का जो हमारा जो मकसद था वो भी हम पूरे पब्लिक में बता दिए कि आजकल पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगर हम साइकिल को इस्तेमाल करेंगे तो साइकिल से हमारी हेल्थ भी होगी और हमारे पैसा भी बचेगा, सब चीज़ सेफ होगी, पोल्यूशन से सेफ हो जाएंगे हम, ट्रैफिक से सेफ हो जाएंगे, अपना खुद का हेल्थ अच्छा होगा, कई बीमारियों से बचेंगे साइकिल चलाने से। ये हमारा जो मुद्दा था आज हम पूरा कर लिए इस आज़ादी के 75 महोत्सव के मौके पर। तो इसी तरह मैं अपना ये बाइक ख़त्म करता हूँ। बोलो फोर तेलंगाना बटालियन के जय, अनवर उलूम कॉलेज के जय, अनवर उलूम कॉलेज के जय, सिकंदराबाद ग्रुप के जय, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट के जय। थैंक यू सो मच।